एक बैठक हुई है जिसमें कि मिल्कफेड के अधिकारी भी आए, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान, सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स और एडिशनल असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये लोग यहाँ मीटिंग में इस विषय पर चर्चा की गई और डीआरडीए से भी परियोजना अधिकारी इसमें शामिल हुए। तो जो अभी तक की स्थिति है, 1,90,000 लीटर के करीब दूध का उत्पादन हमीरपुर में हो रहा है और जो कि ज्यादातर लोकल खपत ही है और कुछ हद तक अमूल वाले भी यहाँ से कुछ मिल्क की सप्लाई ले रहे हैं और वो अपने लेवल पर उन्होंने ये प्रयास जारी रखा है। अब जो हिमाचल सरकार की योजना है और जो कांगड़ा जिले के डगवार में जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 250 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेट किया जा रहा है, उसके लिए ये फीडर एरिया के तौर पर हमीरपुर को भी और चंबा जिला का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल करने की जो प्रयास है, तो और कुछ हिस्सा बिलासपुर का भी, ताकि वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो फुल रहे और दूध के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उसकी प्रोसेसिंग वहाँ होगी और उनकी सेल से इनकम का जो प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी भी इस बारे में चर्चा हुई है। जो हमीरपुर जिले में इस वक्त 18 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कि दूध के बारे में बिजनेस कर रही हैं, दूध का बिजनेस कर रही हैं, जिनमें से एक्चुअली एक्टिव जो है वो दो ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इसके अलावा हमारे स्वयं सहायता समूह बने हैं जो कि डीआरडीए के तहत हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत हैं और उन समूहों में से काफी जो समूह हैं वो इंडिविजुअल तौर पे उसके जो मेंबर्स हैं वो गाय वगैरह पाल रहे हैं, दुधारू पशुओं को पाल रहे हैं और क्लस्टर लेवल पर उनकी फेडरेशंस भी बनी है। तो हमारा ये प्रयास है कि उन जो एनआरएलएम के अंडर जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मिल्क से रिलेटेड, उनको एक्टिवेट किया जाए, वहाँ पर जाके एक बार हमारे मिल्क फेड और एआरसीएस के और एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारीगण उन ग्रुप्स को एक तो दुधारू पशुओं के पालन पोषण और दूध उत्पादन पर को अपनी जानकारी प्रदान करेंगे और हम इन ग्रुप्स को और सोसाइटीज को एक्टिवेट करके अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन की तरफ प्रेरित करेंगे और फिर क्लस्टर्स बनाकर इस तरह से कहाँ कहाँ पर चिलिंग प्लांट्स टेम्परेरी स्टोरेज के लिए लगने हैं वो सारी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बारे में जो कामधेनु कोऑपरेटिव है और बिलासपुर जिला में काम कर रही है उसके विजिट का भी प्रस्तावना है और राज्य से बाहर भी आवश्यकता होने पर जाकर इन जो एक्टिव समूह होंगे, एक्टिव सदस्य होंगे, उन सबको ले जाकर ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में काम करने की प्रस्तावना है।